आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। रशिया से आई एस जयशंकर की वायरल तस्वीर और लेवरोव से जबकि देख पाकिस्तान रोया। डॉक्टर एस जयशंकर जी है या तो मोदी जी, कहीं भी कंट्री में जाते हैं तो पाकिस्तान का रोना धोना चालू हो जाता है। पहले इमरान खान की सरकार थी तो भारत गवर्नमेंट की ओर से दोनों में से कोई भी किसी भी कंट्री में जाएंगे तो उसके पीछे पीछे इमरान खान तो होते ही होते थे, क्योंकि फिर उसको ऐसा कि भारत कुछ डील कर देगा, मेरे को कुछ लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन चले दोस्तों, कोई बात नहीं, इस बार भी कुछ ऐसा ही है। वीडियो देखते हैं, आशा करता हूं आपको पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर। चलिए स्टार्ट करते। डॉक्टर जयशंकर रशिया में है, डॉक्टर साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है। फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब 5 दिन के लिए चले गए हैं, इतना तो कोई शादीशुदा अपने मायके नहीं जाती। मुझे तो लग रहा है कि ये जितनी जफियां डॉक्टर जयशंकर पा रहे हैं लेवरोव को, रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, ये वेच के ही ना कह दें कि पाकिस्तान नहीं आने देना ब्रिक्स में। अच्छा, राजनाथ सिंह जो है वो कह रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया को कर्म दिखाएं तो वो कह रहे हैं कि विल फाइंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स ऑन मर्चेंट नेवी शिप फ्रॉम डेप्थ्स ऑफ द सी। उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के, ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। वो जिन्होंने अटैक किया था उनको समंदर की गहराइयों से ढूंढ के निकालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये 30th slide और फिर उसके बाद ये हिंदुस्तान। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था साहब, आपने डॉक्टर जयशंकर को कंटीन्यूअसली सुना है, हाउ डू यू सी दिस? जो आपने बात करी कि एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है टॉप लीडरशिप से, तो उसका मतलब है कि समथिंग इज इन द प्लान। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक है कि फाइनल वाला है? कोई बलूचिस्तान साथ मिला के ग्रेटर सिंध और सिंधु देश बनाना चाह रहा है, कोई ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐसे ऐलान जंग कर चुका है कि हमें इख्तदार न मिला तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर की एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रही है पूरी दुनिया भर में, जहां दोस्तों वह एक इनविटेशन के पोस्ट डाले हैं जो उन्हें कई सालों पहले मिली थी जब वे मात्र 7 साल के थे, और उन्हें इन्विटेशन वेस्टर्न फेडरेशन की तरफ से मिली थी, और उसके साथ साथ एक और फोटो डाले हैं वे अपने, जो इस वक्त वे रशिया में मौजूद है। तो दोस्तों ये दिखाता है भारत और रशिया के रिलेशंस कितने पुराने हैं, और इसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर के भी रिलेशंस रशिया के साथ काफ़ी पुराने हैं। तो दोस्तों इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है रशिया में भारत और रशिया के ट्रेड रिलेशंस के ऊपर बात करने के लिए और अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने के लिए, जिसे देख करके दोस्तों पूरे फॉरेन मीडिया परेशान है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लाख मना करने के बाद भी भारत अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज के तहत रशिया के साथ अपनी पुरानी दोस्ती निभाते हुए आ रहा है, और इस चीज को देख करके पाकिस्तानी मीडिया अपना सर नोच रहा है, क्योंकि भारत रूस के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने अच्छे रिलेशंस निभा रहा है और उसके फायदा भी ले रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डॉक्टर जयशंकर रशिया में है, डॉक्टर साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा है जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप है, और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब की, और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के, ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था साहब, आपने डॉक्टर जयशंकर को कंटीन्यूअसली सुना है, हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें
जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे. दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस. आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है. जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल. तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्द मोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूँ कि इट्स नथिंग टू डू विद खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स, चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पर इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त. पूरा इंडिया पूछ रहा है वो ये कि हमारे ऊपर अभी एक अटैक हुआ रजौरी में, इससे पहले भी होते रहे, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ नहीं बोली, इस बार भी कुछ नहीं बोली, एक सेंटेंस नहीं डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से. आप मेरा क्वेश्चन समझ गए हैं, मैं फिर भी इसलिए पूछूंगा कि हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जाए कि क्या पिछली बार की तरह कोई स्ट्राइक हो सकती है या इंडिया पाकिस्तान एक वॉर देख रहे हैं आप इन द न्यू फ्यूचर. देखिए रोहित जी, एक बात हमें समझनी पड़ेगी, इस पर मैंने प्रेडिक्शन डाला भी था कि आज के जमाने में युद्ध का जो आउटकम होता है वो पहले तय हो जाता है, उसके बाद काइनेटिक एक्शन स्टार्ट होती है, राइट. तो पाकिस्तान के अंदर जो जिसको हम एक नॉन काइनेटिक एक्शन बोलते हैं, आप जानते ही हैं कि अननोन गनमैन को छूट दे रखी है, तो एक पूरी लिस्ट, टू डू लिस्ट करना इज अ प्रिपरेटरी स्टेप टू पीओके, क्योंकि जब पीओके का हैंड रहा होगा तो कोई नहीं चाहेगा कि ये एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर इंटरनल केओस शुरू करें. तो उनको टू डू लिस्ट दी गई है और वो टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है. तो जब ये नॉन काइनेटिक एक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद काइनेटिक एक्शन स्टार्ट होगा, ये पहले समझना है. दूसरा, अभी का जो आप अटैक देख रहे हो जो हुआ है, आपको एक बात समझनी है कि जब कभी ऐसे नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं तो बार्गेनिंग के तौर पर ऐसे चलते रहता है कि भाई वी आर स्टिल एक्टिव इनफ, मतलब जब बार्गेनिंग चल रही है, बार्गेनिंग क्या चल रही हो सकती है, देखो इकोनॉमिकली इट्स ऑल ओवर फॉर देम, वेस्टर्न इकोनॉमीज खत्म हो चुकी है, वो कोई नहीं दे सकते एड, चाइना है जो अपने पैसे वापस मांग रहा है, तो बचता कौन है, बचता है सऊदी अरेबिया और यूएई, और वहां जैसे ही आप जाओगे पैसे मांगने तो भारत का एक कंडीशन का लिस्ट ऑलरेडी पकड़ा देगा यूएई और सऊदी अरेबिया. तो एक जो इनकी कैश 22 हो रखी है, इसमें ऑब्वियस है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बदमाशी करेंगे बॉर्डर पे, और जो आपने बात करी कि एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है टॉप लीडरशिप से, तो उसका मतलब है कि समथिंग इज इन द प्लान. अब वो सर्जिकल स्ट्राइक है कि फाइनल वाला है, We don't know as yet. पर जहां तक मेरी समझ आती है कि अब बहुत हो चुका है, अब ये छोटा मोटा खेल खेलना, frankly speaking, अब जो है final करो और let's close it. मतलब इसको और क्या कितना खींचोगे आप. तो मेरा तो यही मानना है कि कर लेना चाहिए final वाला, लेकिन ये भी है कि राम मंदिर का अभी next month है, तो हो सकता है उसको ना डिस्टर्ब किया जाए या जो भी है पॉसिबल. सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और भाई पाकिस्तानियों को तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई ये बड़ी बड़ी डील ले लेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा. मेरे को तो यही लग रहा है भाई. और जयशंकर साहब वहां पे गए तो कुछ ना कुछ डिले भी फाइन होगी, अच्छी बात है. और खास करके रशिया जैसे कंट्री के साथ तो हमारा रिलेशन पहले से भी अच्छा, पहले से भी अच्छा है, अब और अच्छा हो जाएगा. क्योंकि खास है कि हम रशिया के साथ हमारा डायमंड ट्रेड भी चल रहा है दोस्तों, आपको बता दूं तो हमारे बहुत सारे डायमंड वर्कर रशिया में भी रहते हैं. दूसरी बात कि रशिया के साथ बिजनेस डिले होगी, तो आशा करते हैं जल्द से जल्द हमारे पास और कोई न्यूज़ जल्द से जल्द आ जाए. अभी तो भाई पाकिस्तान ने तो यही देख रहे कि
जयशंकर साहब वहां पे उसका लुक देख रहे हैं, उसकी सेल्फी देख रहे हैं, आ रहे हैं और जपिया पा रहे हैं, जपिया पा, बट तस्वीर भी देख रहे कोई नहीं पाते जपिया। जयशंकर साहब ने तस्वीर पोस्ट करने के बाद भी लिखा है ना, हाउ इज इट, ऐसा कुछ लिखा है। तो भाई बढ़िया लग रहे हो भाई जयशंकर साहब, लुक इज वेरी वेरी गुड। और बाकी तो वीडियो के बारे में आपने पूरी डिटेल में देखा होगा, और मेरे हिसाब से कुछ अच्छी डील होने, 5 दिन का दौरा है तो 5 दिन में कोई ना कोई अच्छी न्यूज आने वाली है रशिया की ओर से। तो वेट करते हैं, और कोई वीडियो आ जाए तो आपके समक्ष जरूर लाएंगे। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।